सातवां टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, सातवां टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युतीय द्विध्रुव। देखिए, समान परिमाण के दो विपरीत आवेश यानी एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव, और दोनों बराबर परिमाण के होने चाहिए, एक दूसरे से अत्यंत निकट स्थित रहकर विद्युतीय द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। यानी कि दो बराबर चार्ज रहेगा और दोनों का जो डायरेक्शन होगा यानी प्रकृति, डायरेक्शन नहीं प्रकृति, वो एक दूसरे के विपरीत होगा। एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक निगेटिव चार्ज होगा। एक दूसरे के अत्यंत निकट अगर स्थित रहेगा तो उससे जो सिस्टम बनेगा उसको हम बोलेंगे विद्युतीय द्विध्रुव। देखिए, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, और दोनों का परिमाण कैपिटल क्यू ही है, तो और ये दोनों के बीच का जो लेंथ है इसको सूचित करेंगे 2L से, और ये वाला पूरा सिस्टम कहलाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल। उसके बाद इसी से रिलेटेड एक राशि हम लोग को पढ़ना है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए, एक आवेश, कोई भी एक आवेश का परिमाण, चूंकि दोनों तो बराबर ही है, एक आवेश का परिमाण और इनके बीच का जो लंबाई है, दूरी है, उनका गुणनफल करते हैं तो उससे जो राशि प्राप्त होगा उसी को हम लोग बोलेंगे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। यानी आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी का गुणनफल विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। और इसके लिए फॉर्मूला देखिए, अच्छा, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम सूचित करेंगे पी वेक्टर से, तो फॉर्मूला बन जाएगा पी वेक्टर इक्वल टू क्यू गुना इनके बीच का लंबाई 2L वेक्टर, चूंकि ये सदिश राशि है इसीलिए वेक्टर लगाया गया है। अब देखिए, इसका ये तो सदिश राशि है, उसके बाद इसका मात्रक, मात्रक में देखिए नंबर एक SI मात्रक इसका होगा आवेश के लिए कूलोम और लंबाई के लिए मीटर, यानी कूलोम मीटर। उसके बाद इसका CGS मात्रक होता है डे वाई, इसका सिंबल कैपिटल डी है, डे वाई, और एक कूलोम मीटर होगा 3×10^29 डे वाई के बराबर, ठीक है। और इसका बीमा इसका हो जाएगा, आवेश का बीमा होता है एटी और लंबाई का यल, तो इसका बीमा हो जाएगा एटी यल। उसके बाद है विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला आएगा वी इक्वल टू 1/4πε0 पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, और ये पी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। उसके बाद इसके अगला है, एक विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता यानी इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला है E=1/4πε0 P√1+3cos²θ। देखिए, यहाँ विभव और तीव्रता दोनों इक्वेशन में कॉस थीटा और कॉस थीटा शामिल है, तो इस तरह से अगर हम लोग अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग थीटा रखते जाएंगे, एंगल बनाते जाएंगे, तो हम लोग को अलग अलग कंडीशन पर विभव और तीव्रता का मान अलग अलग हो जाएगा। पहला देखिए स्पेशल केस, अच्छी स्थिति पर तीव्रता, तो अच्छी स्थिति पर एंगल जीरो का बनेगा, तो अगर हम यहाँ पर तीव्रता निकालेंगे तो कॉस थीटा जीरो रखेंगे तो कॉस थीटा जीरो, तो यानी जीरो का मान हो जाएगा 1, तो 1 और 3 3+1 हो जाएगा 4, तो 4 का रूट हो जाएगा 2, यानी कि अच्छी स्थिति पर हो जाएगा 1/4πε0 2P/RQ। और दूसरा है देखिए निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता, तो निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता थीटा बन जाएगा 90 डिग्री, और अगर इसमें हम थीटा 90 रखेंगे तो ये 90 जीरो होता है, तो 3×0 0+1 1 हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान यहाँ पे आएगा 1/4πε0 P/RQ।
टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। तो देखिए बल आघूर्ण को सूचित करेंगे टॉर से, तो टॉर इक्वल टू हो जाएगा पी ई साइन थीटा, जहां पी जो है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युतीय क्षेत्र है, और थीटा ये दोनों के बीच का एंगल है। तो इसको हम जो है वेक्टर के रूप में भी लिख सकते हैं, टॉ वेक्टर इक्वल टू पी क्रॉस ई वेक्टर, पी क्रॉस ई वेक्टर। उसके बाद वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेपण में किया गया कार्य, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेपण यानी घुमाने में किया गया कार्य होता है W इक्वल टू पी ई इंटू वन माइनस कॉस थीटा। पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव पी वेक्टर आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव ई वेक्टर तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क होगा। ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2016 में पूछा गया है। इसका ऑप्शन है ए पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, बी है पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, सी है पी ई और डी है पी वेक्टर बाई ई वेक्टर। तो इसका ऑप्शन ए विद्युतीय द्विध्रुव पर लगने वाला टॉर्क यानी बल आघूर्ण होता है। ये देखिए हम लोग निकाले हुए हैं, बल आघूर्ण होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो इसका ऑप्शन जो है ए नंबर सही होगा। उसके बाद दूसरा है, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर आर दूरी पर विद्युतीय विभव समानुपाती होता है। ये 2018 में पूछा गया है। आर है पहला ऑप्शन, बी है वन बाई आर, सी है वन बाई आर का स्क्वायर और डी है वन बाई आर का। तो देखिए विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विभव का व्यंजक हम लोग निकाले हुए हैं, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ये 1/r² का समानुपाती हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, एक विद्युतीय द्विध्रुव के दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिमाण +3.2 × 10⁻¹⁹ एवं −3.2 × 10⁻¹⁹ है, और उनके बीच की दूरी 2.4 × 10⁻¹⁹ है। तो विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण है। ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2015 में पूछा गया है क्वेश्चन। और इसका ऑप्शन देखिए है, पहला ऑप्शन है 7.68 × 10⁻²⁷ किलोमीटर, बी है 7.68 × 10⁻²⁹ किलोमीटर, सी है 7.86 × 10⁻²⁹ किलोमीटर और डी है 7.86 × 10⁻²⁷ किलोमीटर। देखिए इसका हल करने पर चूंकि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है और विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का द्वितीय द्विध्रुव का आघूर्ण निकालना है, द्वितीय द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू होता है Q गुना 2L, यानी कि Q क्या है चार्ज। तो चार्ज दिया हुआ है 3.2 × 10⁻¹⁹ और 2L यानी दोनों चार्जों के बीच की दूरी। तो दोनों चार्ज के बीच का दूरी है 2.4 × 10⁻¹⁹ मीटर। ये दोनों को जब हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7.68 और ये पावर एड हो जाता है गुना में, तो ये हो जाएगा −29 किलोमीटर, यानी इसका ऑप्शन बी सही होगा। चौथा क्वेश्चन है, ई वेक्टर तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में पी वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित है, इसे इस स्थिति से 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य होगा। देखिए
चूंकि विद्युतीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W इक्वल टू होता है PE1 माइनस कॉस थीटा, तो PE1 माइनस कॉस और थीटा एंगल यहां दिया हुआ है 180 डिग्री, तो PE1 माइनस कॉस 180 का मान हो जाएगा माइनस 1 यानी माइनस माइनस प्लस 2 PE, तो इसका ऑप्शन बी ये सही होगा।